students, today we will learn the division by 8 and 9. Okay, तो आज हम टेबल जो है हमारी 8 and 9 उसका हम आज डिवीजन सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देखो 64 divided by 8. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 63 divided by 9. ओके, तो आपको इनका क्या करना है, आंसर लिखना है. अब कैसे करेंगे हम ये, जैसे आपने बाकी टेबल्स का डिवीजन सीखा वैसे ही 8 and 9 का भी हम क्या करेंगे, डिवीजन सीखेंगे. तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास में 64 है और यहाँ 8 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन साइन बनाएंगे. तो ये है हमारा यहाँ डिवीजन साइन 64 एंड बाहर हम लिखेंगे 8. ओके, अब क्या करना है हमें, 64 में 8 का डिवीजन देना है. तो कैसे करेंगे हम, पहले हम वन डिजिट में चेक करेंगे देकर, अब 6 जो है उसमें हम चेक करेंगे पहले कि 8 का डिवीजन जाता है या नहीं जाता है. तो आप चेक करें 8 की टेबल अगर आप बोलेंगे तो उसमें 6 नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम 64 को लेंगे. ओके, तो अब आपको चेक करना है कि 8 की टेबल में 64 आता है या नहीं आता. तो आप टेबल बोलिए 8 1 1 8 2 16 8 3 24 8 4 32. ओके, 8 5 40 8 6 48 8 7 56 इन 8 8 64. ओके, तो कितने टाइम्स पे आया हमारा 8, हमारा 64 आया हमारा 8 टाइम्स पे. तो 8 हम यहाँ लिखेंगे एंड 64 यहाँ लिखेंगे एंड इससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखो तो क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हम से सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 4 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0. ऐसे ही 6 में से 6 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0. तो देखो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया एंड यहाँ आंसर कितना आ गया, 8. तो हम यहाँ लिखेंगे 8. तो हमारा 64 में 8 का जो हमने डिवीजन दिया वो कितने टाइम्स पे गया, वो गया हमारा 8 टाइम्स पे. ओके, तो अब हम ऐसे ही ये वाला भी डिवीजन करेंगे. 63 में हमें क्या करना है, 9 का डिवीजन देना है. ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, डिवीजन साइन बनाएंगे हम पहले. 63 हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे एंड बाहर कितना लिखेंगे, 9. अब क्या करना है हमें, अब हमें 63 में 9 का क्या करना है, डिवीजन देना है. तो हम 9 की टेबल कब तक बोलेंगे, तब तक हमारा 63 नहीं आ जाता. ठीक है, तो हमने बच्चों 63 ही क्यों लिया, क्योंकि 6 में अगर आप 9 का डिवीजन देते हैं तो नहीं जाएगा. क्यों, क्योंकि 9 के टेबल में 6 नहीं आता है, इसलिए हमने पूरा नंबर लिया है 63. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 9 की टेबल बोलेंगे, 9 1 9 9 2 18 and 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 and 9 7 54 and 9 7 63. ओके, तो कितने टाइम्स पे आया हमारा 63 9 की टेबल में, 7 टाइम्स पे. ओके, तो 7 हम कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंड 63 कहाँ लिखेंगे बच्चों, 63 लिखेंगे यहाँ नीचे एंड यहाँ कौन सा साइन लगेगा, यहाँ लगेगा हमारा माइनस साइन. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0. 6 में से 6 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0. तो देखो हमारा जो रिमाइंडर है ये जो नीचे आता है बच्चों, ये होता है रिमाइंडर. तो कितना आया हमारा ये, 0. एंड यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है 63 में 9 का डिवीजन देने पे वो है 7. तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे. ओके, तो किस तरह से मैंने ये डिवीजन किया है, जैसे आप 2 3 4 5 6 7 मतलब ये वाले जो डिवीजन कर कर आए हैं वैसे ही 8 and 9 का भी हमने डिवीजन किया है. ओके, तो मैंने आपको जितनी भी हमारी टेबल्स हमने लर्न की थी 2 to 9. ओके, और 10 वाले का हम नहीं करेंगे. ठीक है, आपको 9 तक ही करना है. अगर आपको 10 वाला भी करना है तो 10 वाला भी ऐसे ही होगा जैसे मैंने ये करके बताया है. ठीक है, तो हमने जो ये डिवीजन सीखा है, अब आप आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर सकते हैं.
ठीक है, क्योंकि हमने जितनी भी टेबल्स लर्न की थी 2 की 3 की 4 की, है ना, तो जो भी हमने टेबल लर्न की थी उससे रिलेटेड हमारे जो भी डिवीजन है और आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।